बहन को कुत्ती बोल सकती है, वो अपनी भाभी को क्या बोल सकती है? आप इस बात को सोचो एक बार। जब कमेंट कर कह रहे हो ना, सपना बुआ ने कपड़े दिलाए, कपड़े दिलाए, 1000 रुपये मैं ले गया था, मैं कोई एक टी शर्ट लूंगा मैं सिर्फ, और मैंने ले भी थी, देखो एक ये लोवर लिया था 700 रुपये का, और एक दो टी शर्ट ली थी ऐसे ऐसे 650 आई थी एक तो, और एक साथ आई थी, दोनों ऐसे सुकड़ के ना बिल्कुल खराब होगी। आप देखिए बुआ ने ये कर दिया, बुआ ने वो कर दिया, मत बल मुद्दा बुआ का ही था, चारों तरफ से जीने का कोई नाम नहीं है, कभी तो कोई उठा लेता मुद्दा मेरा, कभी। सपना मलिक हो चुकी है अपनी फैमिली से परेशान। जी हाँ दोस्तों, उनकी फैमिली का कोई मेंबर उनको ताने देने से पीछे नहीं हट रहा है। सपना मलिक के बारे में जो बातें उनकी भाभी सरोज मलिक ने कही हैं, उनका सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि अभी अरमान मलिक की बहन सपना और भाभी सरोज के बीच बिल्कुल नहीं बन रही है, और लड़ाई का रीजन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लड़ाई का रीजन है कपड़े। दरअसल दोस्तों, सपना ने सरोज के बेटे को कुछ कपड़े दिलाए थे, बट हुआ क्या कि कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, और यही चीज सरोज के बेटे ने अपने व्लॉग में बोल दिया कि बुआ जी ने जो कपड़े दिलाए वो तो सुकड़ गए। अब जब सपना जी ने ये व्लॉग में देखा तो वो भी आंख बबूला हो गई, और उन्होंने तुरंत इस चीज का जस्टिफिकेशन दिया और बताया कि कुछ लोग उनको जीने नहीं दे रहे और उनको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। कहते कि बुआ ने कपड़े दिला दिए, वो खराब हो गए मेरे पे। देखो जितना भी बैलेंस था ना, मैंने उसके दिलवा दिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे चंडीगढ़ से आई थी, मेरी हालात बहुत ज्यादा खराब थे उस टाइम पे, और मेरे इतना बैलेंस भी नहीं था, मैंने किराया भी देना था और तनु की फीस भी जमा करवानी थी, मतलब बहुत सारे खर्चे, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने उनके कपड़े दिलवा दिए। पब्लिक ने इन सारी बातों को देखा समझा और लास्ट में सपना को ही फेवर किया और सरोज के बेटे को समझाया कि बुआ की रिस्पेक्ट करे और इतनी बदतमीजी वाली बातें अपने व्लॉग पे ना बोले। बट ये बात सरोज को डाइजेस्ट नहीं हुई कि कैसे पब्लिक उनके बेटे को इतना क्रिटिसाइज कर रही है और उनको बदतमीज बोल रही है। तो सरोज ने भी सपना के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल दी अपने व्लॉग में जो शायद आज के पहले हमें नहीं पता था। इनफैक्ट सरोज का तो ये भी कहना है कि सपना जितनी सीधी बनती है, अपने आप को दिखाती है, वो एक्चुअली इतनी सीधी नहीं है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बताई जैसे कि सपना का जो हस्बैंड थे वो सरोज का भाई था, ये था, बहुत सारी ऐसी बातें थी। आज एक दूसरी बात और बताऊं, सपना का घरवाला मेरा भाई है, कभी आज लग मैंने जिक्र किया कोई उसके बारे में? फैक्ट, सरोज ने ये भी बोला कि सपना जब चंडीगढ़ से वापस आई तो डायरेक्टली उनके घर गई, वहाँ जाके उन्होंने अरमान मलिक के बारे में खूब उल्टी सीधी बातें करी, और जब वो चंडीगढ़ गई तो सरोज की वहाँ पर खूब बुराई करी। तो ये सारे मामलों में आपका क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो बंदा अपने खानदान के बारे में इतना उल्टा बोल सका, जो बंदा अपनी बहन के बारे में कुत्ती बोल सका है, अपने भाइयों को गाली दे सका है, अपने भाइयों को जिंदा जी ये बोल सका है, मेरे लिए तो मर गए, और फिर वापस फिर उन्हीं के मैं चली। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, थैंक यू। हमको मासिक खर्चा मिलता है, ठीक है जी, आप वो भिन्ना की तनख्वाह लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ भी बोल सको, मत नहीं बोलना चाहिए।